आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं एक ऐसी सत्य लीला कथा जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। तो मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो आपसे कभी गलती से भी कोई भूल ना हो, कोई चूक ना हो, जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल रुष्ट हो जाएं। क्योंकि हमें पता नहीं होता, हम गलती बस, अज्ञानता बस वो भूल कर बैठते हैं, जो कि हमें लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा अपराध लग जाता है। तो अगर आपके घर परिवार में कोई छोटे छोटे बच्चे हैं और आपके घर में लड्डू गोपाल रखे हुए हैं और आप वो लड्डू गोपाल के भोग का दूध आप बच्चों को देते हैं, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइएगा, जिससे कि आपके माध्यम से किसी को लाभ हो सके और जितना पुण्य उनको मिलेगा ना, उतना ही आपको मिलेगा, क्योंकि आप माध्यम बनेंगे। आप किसी के काम में अगर आप सहयोग करते हैं, किसी की अच्छाई में अगर आप सहयोग करते हैं, तो आपको भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना कि उसे करने वाले को। अगर वो गलती कर रहा है कोई सामने वाला और हम उस गलती को रोक देते हैं, तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। तो अगर आपके भी जान पहचान में कोई ऐसा परिवार है और आपके घर के आसपास भी फैमिली में, रिश्तेदारों में कोई लड्डू गोपाल रखे हुए हैं और वो भोग का दूध, या कि घर में बड़े बड़ों को, बूढ़ों को, बच्चों को, किसी को भी दे रहे हैं और उनसे ये अपराध हो रहा है, तो प्लीज़ सहभागी बनिए और उनसे इस गलती को होने से रोकिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथा, ऐसे वीडियो आपको और जानकारी भरे वीडियो आपको सुनने को मिलते रहें। तो ये लीला कथा मेरे साथ शेयर की है सपना जी। सपना सपना जी ने ऐसी भूल कर दी, वो भी अनजाने बस, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ महीने ही हुए थे लड्डू गोपाल की सेवा लिए हुए, उनकी सेवा करते हुए उनके घर में कुछ महीने पहले ही आए हैं। तो जब हम शुरू शुरू लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, तो हमें बहुत सी जानकारी नहीं होती है, वो अनजान बस हमसे ये अपराध हो जाता है। तो सपना जी के घर में दो बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ। अब क्या होता है कि सुबह सुबह जो भी घर में अपने भक्त लड्डू गोपाल रखे हुए हैं ना, उनका अधिकतर रूटीन यही होता है कि सुबह से वो नहा धो के लड्डू गोपाल की अपनी सेवा के बाद ही अपना काम शुरू करते हैं। ऐसे ही था सपना जी का, और करना भी यही चाहिए। अगर आप किसी कारणवश आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या कि आपके बहुत ऐसे काम हैं जिसकी वजह से आप सुबह टाइम से नहीं नहला पाते हैं, तो वो बात दूसरी है, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि हम सुबह, देखो लड्डू गोपाल को हम एक बाल रूप में सेवा करते हैं, एक बच्चे के रूप में सेवा करते हैं, तो हम अपने बच्चे को सुबह उठा के उसको कुछ खाना पीना करने के, खाने पीने के लिए कुछ देते हैं ना, वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल हैं, हमारे बाल गोपाल हैं, उनकी भी हम सेवा एक बाल रूप में कर रहे हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखा करिए कि इतनी देर से मेरा बच्चा सो रहा है, अब हम उसको उठाएं और कुछ खाने पीने को दें। तो खिलाएंगी पिलाएंगी कैसे, जब आप नहा लेंगी, जब आप शुद्ध हो जाएंगी, पवित्र हो जाएंगी, तभी तो आप अपने लाला को, अपने लड्डू गोपाल को छुएंगी ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि टाइम से अगर नहा लेंगे तो आप ये सेवा बहुत अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो वो भी इंतज़ार में बैठे रहेंगे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक। इसलिए उनकी सेवा अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ी इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहले आप नहा लीजिए, उनको स्नान करा दीजिए, कुछ भोग दे दीजिए, जब तक वो खाएंगे पिएंगे तब तक, फिर उसके बाद आप अपने और काम कर लीजिएगा। जो नहाने के बात करते हैं तो वो ऐसे कर लिया करिए नहा के, और फिर बाद में कर लिया करिए जो नहाने के पहले आप काम करते हैं।
तो क्या हुआ था कि सपना जी के दो बच्चे हैं। अब ये क्या करती थी, क्योंकि अब इनकी भी कोई वैसी गलती नहीं थी, इसलिए भी गलती नहीं कहूँगी क्योंकि इन्होंने अभी अभी सेवा की थी। जो बहुत टाइम से सेवा कर रहे हैं या कि जो बहुत टाइम से सेवा कर भी रहे हैं, और उनसे भी ये गलती हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम ना क्या करते हैं कि देखा सीखी में भी बहुत सारे ऐसे काम कर लेते हैं। हमें हर चीज़ का हमें नॉलेज नहीं होता कि भगवान की सेवा में क्या नियम है, क्या किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, और अनजाने बस हमसे वो गलती हो जाती है, जैसे कि सपना जी से हो रही थी। सपना जी क्या करती कि सपना जी एक नियम बहुत अच्छा बनाई थी कि वो अपने घर में अपनी रसोई में नहा के ही जाती थी। ये बहुत अच्छी बात है और हर सनातन धर्मियों को ये काम करना चाहिए, क्योंकि हर घर में भगवान की सेवा होती है, चाहे वो लड्डू गोपाल हो या और भी कोई देवी देवता हो, क्योंकि हमारे रसोई को भी एक मंदिर ही माना गया है। इसलिए आप सब बहनों से यही विनती है कि आप नहा के रसोई में जाएंगी ना, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। साक्षात रसोई में हमारी माँ अन्नपूर्णा विराजमान होती है, इसलिए नहा के ही प्रवेश करिए। तो ये सपना जी भी ऐसे ही करती थी, नहा धो के ही अपना जाती थी रसोई में, रसोई बनाती, अपने हस्बैंड का लंच बनाती, बच्चों का टिफिन बनाती, और फिर पहले ये नहा के अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर लेती, स्नान करा देती उनको, और कुछ भोग के लिए रख देती। अगर भोग में जैसे कुछ नहीं भी बना पाए तो कोई बात नहीं, आप उनको नहला के, उनको जल पिला के, उनको उनके पास दूध रख दीजिए कि लाला जब तक आप ये दूध पियो, दूध के साथ ज़्यादा है अगर आपके पास है तो काजू बादाम, कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं तो रख दीजिए, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, भगवान तो भाव से ही खुश हो जाते हैं। तो आप दूध ही रख देंगे तब भी वो ग्रहण करेंगे, आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। तो इतना वो करके और फिर बाद में लंच के लिए आती थी, लंच बनाने के लिए, क्योंकि टाइम से उठ जाती हैं थी। और हम औरतों के साथ में यही होता है, अगर हम आधा घंटे भी अगर सुबह लेट हो गए ना, मतलब हमारा पूरा रूटीन बिल्कुल गड़बड़ा जाता है। इसलिए टाइम टू टाइम सुबह तो बहुत टाइम से उठिए, बल्कि आप दोपहर में भले रेस्ट कर लीजिए, लेकिन सुबह का टाइम बहुत ज़रूरी होता है कि टाइम से उठा जाए। यही हर पूजा पाठ वालों के लिए यही अच्छी बात है। और अब क्या करती है कि ये लंच बनाती है और अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड का, सबका लंच बनाती, पूजा करके भोग, जो भगवान के पास भोग रखती थी। अब इनसे गलती क्या हो रही थी कि इनके बच्चे जाते थे स्कूल, तो ये क्या करती, भगवान का भोग लगाती। मतलब कि देखो भगवान क्या है, भगवान ग्रहण तो करते नहीं, भगवान तो दृष्टि भोग लगाते हैं, तो उनके जो हम उनको पवाते हैं, जो हम उनको प्रसाद भोग लगाते हैं, तो वो कौन खाता है पीता है, हम ही लोग खाते हैं ना। तो इनका नियम था ये रोज भोग लगाती सुबह के टाइम, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे जब स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं ना, तो कुछ खाना भी पसंद नहीं करते, खाते भी नहीं हैं, तो वो रोज़ जो भोग लगाती दूध का, वो दूध अपने बच्चों को दे देती थी दोनों को। अब दोनों बच्चे क्या करते कि एक बच्चे जो था उसको तो पसंद था, दूसरा बच्चा क्या करता, और जब भी हम लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, बिना तुलसी के तो हम भोग लगाते नहीं हैं, और बिना तुलसी के भोग हमारे लड्डू गोपाल स्वीकार भी नहीं करें। कोई भी आप भोग लगाओ, चाहे दूध हो, चाहे भोजन हो, चाहे कुछ भी, बिना तुलसी के आप भोग नहीं भगवान स्वीकार करेंगे। तो वो भी तुलसी डालती थी, तो अब ये बच्चा क्या करता, एक बच्चा तो पी लेता था, उसको तुलसी पसंद थी, खा लेता था, लेकिन दूसरा जो बच्चा था वो क्या करता कि जो मुंह में तुलसी के पत्ते आते ना, तुलसी दल आता, तो वो थूक देता था, उसको टेस्ट पसंद नहीं था तो वो थूक देता था। अब वो ये बात इनको नहीं पता थी, सपना जी को नहीं पता थी, कुछ दिन के बाद ही इनको पता चला। वो कैसे पता चला कि जब ये दोनों बच्चे थे और ये करता था छोटा वाला बच्चा, कुछ दिन के बाद ना ये छोटे वाले बच्चे की तबीयत से ठीक, मतलब वैसे होने लगी, कि तो उनको लगा कि चलो मौसम की वजह से है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। उन्होंने दवाई अवाई जो बच्चों की होती है वो दी कि ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी तबीयत इन्फेक्शन
होने लगा गले में, वो समझ में नहीं आ रहा था क्या है। अब जब डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हो सकता है मौसम की वजह से है, इन्फेक्शन इन्फेक्शन कुछ नहीं है। और है तो उसने दवाई अवाई, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर तो दवाई ही देगा, उसने दिया कुछ दिन की, लेकिन उससे भी उस बच्चे को आराम नहीं लग रहा था। दूसरा बच्चा प्रॉपर दूध पी रहा था, सब कुछ कर रहा, और इसका यही नियम था। एक दिन सपना बैठी हुई थी, दूध लेके आई उसको, और जब उसने देखा कि जैसे ही उसके मुंह में तुलसी आती है और ये थूक देता है, उसने बोला कि बेटा क्या थूके? बोले माँ मैं ये पत्ती आ जाती है मेरे मुँह में तुलसी की, वो मुझे पसंद नहीं है और मैं थूक देता हूँ। अब क्या होता था कि थूक तो दी है तो वो तो बच्चा है, उसको ये सब चीज़ों का थोड़ी नॉलेज है। जैसे अगर हम बड़े हैं, कुछ है अगर हमें पसंद नहीं है तो हम अलग से निकाल के उसको साइड में कर देंगे, भगवान के जो भी फूल माला है वहाँ पे डाल देंगे, लेकिन हम मुँह में नहीं ले जाएंगे। वो तो बच्चा था, उसको तो ये सब चीज़ पता नहीं थी। उसने बोला बेटा ऐसे मत किया करो, उन्होंने ये चीज़ बोल दी, लेकिन वो रोज़ उसको दूध देती और वो यही करता। उनको लगा कि आज ही ऐसा कर रहा है, उनको इस बात का भी पता नहीं था। इसमें उनकी भी उतनी गलती नहीं कहेंगे, लेकिन गलती इस बात से भी कह सकते हैं कि एक बार अगर उन्होंने देख ली कि वो उसको पसंद नहीं है तुलसी, तो आप जब भी आप बच्चे को दो तो वो तुलसी छान के दो। अगर वो बच्चा तुलसी नहीं पीता है तो दूध, बहुत से बच्चे क्या होता है मलाई पसंद नहीं करते, तुलसी और कुछ भी चीज़ उसमें डाल के दो वो पसंद नहीं करते। तो आप एक काम कर सकते हो कि उसको छन्नी से छान दो, बिल्कुल साफ हो जाए जब आपका दो, तब आप उसको दे दो उस बच्चे को। लेकिन ये चीज़ भूल जाती थी, या कि जैसे भी उन्होंने ये काम नहीं किया, उसको कंटिन्यू वो दूध देती रही। कुछ दिन के बाद क्या होता है, और इसकी जो तबीयत थी, इसका जो गले में खराश था वो ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने दवाई जो एक हफ्ते की लिखी थी उससे भी उसको कोई आराम नहीं लग रहा था। अब कुछ दिन में क्या होता है कि उनकी सासू माँ आती हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे वो आती जाती रहती थी, दो भाई थे ये लोग जेठ और ये, तो आती जाती रहती थी कुछ दिन यहाँ कुछ दिन वहाँ। तो आई थी, वो भी सेवा वाली थी, वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, और दादियों का रहता है ना अधिकतर प्यार बच्चों के साथ, अपने नातियों के साथ, तो वो भोग लगाती, तो वो कह देती जब वो तैयार होते बच्चे की, बेटा मुझे दे दे मैं इसको खाना पीना खिला दूँगी, तो जब तक लंच बना ले हस्बैंड के लिए, ऐसे करके। तो वो उसको दूध दूध तो वो जैसे ही दूध देने के लिए वो किया, तो वो छोटा वाला बोला कि दादी मुझे तुलसी वाला दूध पसंद नहीं है, मैं नहीं पीऊँगा ये, ऐसे करके। तो बोले कि रोज़ क्या पीते हो? बोले रोज़ मैं यही करती हूँ। तो फिर दादी ने पूछा कि रोज़ तुम तुलसी का क्या करते हो? बोले तुलसी मैं थूक देता हूँ नीचे। अब देखो, अब उसकी दादी को बड़ा बेकार लगा कि तुलसी नीचे फेंक देती है, थोड़ी देर बाद झाड़ू लगेगी, झाड़ू से तो वो कचड़े में चली जाएगी, ये कितनी गलत बात है। और फिर बाद में यही चीज़ उनसे पूछी बड़े वाले बेटे से कि बेटा तुम क्या करते हो तुलसी का? तो वो बोले दादी मुझे अच्छी लगती है, मैं खा लेता हूँ, उसका कोई तबीयत खराब नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी वो नहीं। इस बात को आप ये मत कहिएगा कि ये एक अंधविश्वास है। देखो भगवान ना कोई इशारे के माध्यम से हमारे पास वो जानकारी पहुंचाते हैं, और हमसे दोबारा ऐसी गलती ना हो इस वजह से कुछ सबक सिखाने के लिए ऐसा कुछ करते हैं, जो कि इनके साथ हो रहा था, सपना जी के साथ। अब वो जो सास थी वो सपना से कहती हैं कि बेटा जब ये दूध नहीं पीता है तो इसको छान के दिया करो, हो सकता है इसी की वजह से ये जो गलती हो रही है, रोज़ तुलसी के पत्ते कचड़े में जा रहे हैं, कितना पाप लग रहा होगा। इसके साथ साथ बच्चे, वो तो बच्चा है, वो तो अबोध है, उसको तो कुछ वो नहीं, लेकिन जो तुम दे रही हो, एक तो भगवान के भोग का दूध और दूसरा वो तुलसी का अपमान, तो इसमें कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं असर तो दिखेगा, भगवान अपना क्रोध कैसे दिखाएंगे। तो फिर बाद में इस बात का उसको, सपना को, मतलब इसको लगता है कि हाँ मैं ये गलती कर रही हूँ, क्योंकि भगवान का जो भोग होता है वो तो इतना अमृत तुल्य कहा गया है, उसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बल्कि जो भगवान का दूध वाला कटोरा होता है, दूध की गिलास होती है, आप पी लो, आप बच्चे को दे दो, और वो जो लास्ट में, क्योंकि बच्चों की आदत होती है पूरा कभी नहीं पीते, आप उसको पियो, और हो सके तो आप उसमें लास्ट में थोड़ी सा
पानी डाल लो और पानी से खंगाल के भी आप उसको पी सकते हो, क्योंकि ये बहुत पवित्र है। और ये गलती जो वो सपना कर रही थी, वो बच्चे के माध्यम से जो तुलसी फेंकी जा रही थी, उसकी वजह से ही देखो लड्डू गोपाल साक्षात आके प्रकट होके आपसे नहीं कहेंगे कि सपना तुमने ये गलती की है, इस चीज़ को मान जाओ या कि इस चीज़ को रोक दो। वो कोई ना कोई माध्यम से हमारे पास वो जानकारी भेजते हैं। जैसे अगर आपसे भी अगर ऐसी अनजाने बस गलती हो रही है, तो आपके पास भी अगर ये वीडियो आ रहा है, तो इसका श्रेय मैं नहीं हूँ, इसका श्रेय है भगवान हमारे लड्डू गोपाल, वो ही ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही हुआ सपना के साथ। सपना की सासू माँ को अभी आना नहीं था, उनका बहुत दिनों के बाद, महीना 2 महीने के बाद ही आना था, लेकिन वो अचानक पहुंची, क्योंकि लड्डू गोपाल को ये उसको बताना था। लड्डू गोपाल के माध्यम से ही समझिए कि वो आई, और सासू माँ ने उसको वो चीज़ बताई जो गलत हो रही थी। सपना ने इस चीज़ को स्वीकार किया, अपनी गलती को मानी और लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगी, क्योंकि लड्डू गोपाल को तुलसी बहुत प्रिय है। बिना तुलसी के उनकी सेवा स्वीकार, आप कितनी भी सेवा कर लो, कितनी भी भक्ति कर लो, कुछ भी आप चढ़ा दो, लेकिन अगर आप तुलसी नहीं चढ़ाओगे तो भगवान सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। इतनी प्रिय है, तो जो इतनी प्रिय चीज़ होती है और हम उस चीज़ का अपमान करेंगे, तो भगवान उसकी सज़ा तो हमें देंगे, और भगवान हमारे बहुत दयालु है, सज़ा तो देते हैं लेकिन ऐसी सज़ा देते हैं कि हमें ज्ञान भी मिल जाता है और उससे हमारा कोई नुकसान भी नहीं होता। तो इतने कृपालु हैं हमारे लड्डू गोपाल, इतने दयालु हैं। फिर जब ये इस गलती का जब उसको एहसास होता है और वो ये तुलसी देना उसको बंद करती है, कुछ दिन में ही उसका गला एकदम ठीक हो जाता है। कोई सर्दी जुकाम, गले में खराश, कुछ नहीं, एकदम से उसका गला सही हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है पहले जैसे। वो सब समझ जाते हैं कि ये सब लड्डू गोपाल का मतलब वही बताना चाह रहे थे ये, और सब ये उनकी कृपा है जो कि सब कुछ ठीक हुआ। तो इतने दयालु होते हैं हमारे कन्हैया, कोई ना कोई माध्यम से हम तक जानकारी पहुंचाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।